मतलब मुंबई में प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा महंगी है कि अगर मैं जिंदगी भर पैसा बचाऊँ तो पता है कितना बड़ा घर खरीद सकता हूँ? हाँ, इतना बड़ा जी, एक स्क्वायर फीट, तसल्ली से हक भी नहीं पाऊँगा, ये दूसरा पैर रख ले दूसरा जन्म लग जाएगा यार। और इन दो वर्ड्स का मुंबई प्रॉपर्टी मार्केट में इतना गलत इस्तेमाल हुआ है ना, वो कोई हद नहीं है। वो दो वर्ड्स है जस्ट एंड ओनली। देखा ये बिल्डर लोग कहीं भी लगा देते। एक जगह लिखा था अंधेरी ईस्ट 2 BHK अवेलेबल इन 3 crores ओनली। मैडम ने ओनली देखो जगह ओनली लगाने की ऐसे लगा ओनली 2 BHK अवेलेबल इन 3 crores। तीन करोड़ के बाद कौन ओनली लगाता है यार? नहीं, बाद में ओनली लगाने की जगह होती है ना, बाद में ओनली लगता था मेरी सैलरी के बाद। दिस मच हैज बीन क्रेडिटेड ओनली, गरीब। आपको याद होगा बाद में ओनली लगता था नैन मोंगिया की बैटिंग के बाद। रिमेंबर नैन मोंगिया 3 runs only 4 runs only। एक बार नैन मोंगिया 10 रन मारा, हेलमेट ही निकाल दिया, मजा आ गया था। कमेंटेटर भी लगा पड़ा, इट्स अ 2 digit गाइस टुडे, इट्स 2 digit, इट्स अ हिस्टोरिकल डे इन द क्रिकेट ऑफ इंडिया। चल रहा था यार। और मुंबई में बहुत क्या है मैं प्रॉपर्टी के सीन में, मतलब 3 crore के बाद आप स्टार नहीं लगा सकते, 3 crore में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं। मैं बता रहा हूँ यार, मुंबई में क्या स्कैम चल रहा है, यहाँ घर अलग बिकता है, पार्किंग अलग बिकती है। देखा आपने, घर अलग पार्किंग अलग, और मेरे पास नैनो है। सोच रहा हूँ 1 lakh की गाड़ी, 30 lakh की पार्किंग। गाड़ी मैंने कैश फ्री थी, पार्किंग के लोन लेना पड़ रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, नैनो को पार्किंग की जरूरत है नहीं, नैनो को लिफ्ट में डालो ऊपर ले जाओ, उसे तसल्ली से घर के अंदर खड़ा करो, दिन भर चलाओ, रात को कच्चे बनान सुखा दिया। चल रहा है। और प्रॉपर्टी का जो बढ़ा हुआ रेट्स होता है ना कहीं भी, लाइक मुंबई दिल्ली कहीं भी, गुड़गांव कहीं भी, मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होते हैं ब्रोकर लोग। नहीं मैं बता रहा हूँ, हमें अपना दिल्ली वाला घर बेचना था, वो ब्रोकर आके पापा की बेइज्जती करके चला गया यार, कह रहा है कपूर साहब कितना घटिया घर है ये। मतलब ये बात मैं भी काफ़ी टाइम से कपूर साहब को बोलना चाहता था, बट ब्रोकर वॉज वेरी वाय, कपूर साहब क्या घटिया घर है, हर तरफ से खुला है, धूल मिट्टी आ रही है, पार्क में नंगे बच्चे खेल रहे कपूर साहब, नीचे नाला बह रहा है कपूर साहब, नाले में से लाश जा रही है कपूर साहब। कपूर साहब की फटकी, भाई साहब क्या बात कर रहे हो, लाश जा रही है। और 2 दिन बाद ब्रोकर बायर को लेकर के आया घर खरीदवाने के लिए, और हमारे मुंह पे पलट गया, कह रहा सर देखो कितना सुंदर घर है सर, हर तरह से खुला है, सनलाइट आ रही है सर, पार्क में नेचुरल बच्चे खेल रहे सर, नेचुरल, ये नेचुरल बच्चे मन के सच्चे ऐसे ही अच्छे लगते सर, सर नीचे देखो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जा रहा है सर, अरे सर बंदा जा रहा है बैक स्ट्रोक मारता हुआ सर, कितना सही लग रहा है सर। नहीं सच में यार, ब्रोकर अभी हमें मैं घर लेने की सोच रहे, परसों ब्रोकर घर दिखाने गया, कह रहा सर मस्त स्विमिंग पूल व्यू अपार्टमेंट है, ऊपर जाके दिखाया दूसरी सोसाइटी का स्विमिंग पूल दिख रहा है यार। परसों मुझे ब्रोकर का मैसेज भी आया, सर दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, पूरी मार्केट 10% डाउन आ गया, खरीद लो। और मैंने कहा 10% डाउन मतलब 3 crore घर मिल रहा है, 2 crore 70 lakh रुपए का, इसको लग रहा है दिक्कत मेरे पास सिर्फ 30 lakh रुपए की है, 2 70 मेरा बाप चोर पकड़े फंसा करके बैठा है, क्या बेटा लो 1 crore लो बेटा, लो 12 फेरा करके ले, 1 crore ले। क्या रेट चल रहा है प्रॉपर्टी, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं ना, थोड़े टाइम में लोधा रुस्तम जी के घर खरीदेगा, रुस्तम जी लोधा के घर खरीदेगा, DLF इन सबके घर खरीदेगा, और हम लोग सिर्फ ट्रांजैक्शन देखे, भाई क्या ट्रांजैक्शन हुई है भाई, मजा आ गया यार, क्या घर बिका यार, 4 crore में 1 BHK चला गया, मजा ही आ गया यार इस बार।